पिछले कुछ दिनों से देश भर के कई इलाकों में बारिश हो रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित रामपथ में कई हिस्सों में सड़क धंसने की खबरें सामने आ रही है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे को लेकर 6 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है। हालांकि इस घटना के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये अयोध्या रामपथ का वीडियो है और ये सड़क एक गुजराती कंपनी ने बनाई थी। समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री IP सिंह ने यह वीडियो ट्वीट किया और इसे गुजरात मॉडल बताया। और भी कई लोग ऐसे ही क्लेम के साथ ये वीडियो ट्वीट कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो के बारे में ऑल्ट न्यूज ने छानबीन शुरू की। रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें 3 जून 2022 का ये आर्टिकल मिला, जिसे ब्राजील की एक मैगजीन ने पब्लिश किया था। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि ब्राजील के फोर्टालेजा के कैस्केवेल में फुटपाथ पर चलते हुए 48 वर्षीय मारिया रोजेलिन पानी से भरे हुए गड्ढे में गिर गई थी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कथित जगह पर लगे सेफ्टी कॉन को उन्होंने नोटिस नहीं किया था, जिसके कारण वो गड्ढे में गिर गई। हमें ये कुछ वीडियो रिपोर्ट्स भी मिली, जिसमें बताया गया है कि वायरल वीडियो असल में ब्राजील का है। साथ ही अयोध्या पुलिस ने इस वीडियो को अयोध्या के रामपथ का बताते हुए शेयर किए जाने पर ये बयान दिया है। सर, क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हुआ, जो जांच से भर्ती पाया गया और जो रामपथ से संबंधित था। इस संबंध में आयुष शुक्ला द्वारा 2 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना से जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की। यानी मूल रूप से अयोध्या रामपथ का बताते हुए पानी से भरे गड्ढे में एक महिला के गिर जाने का वीडियो न सिर्फ पुराना है, बल्कि भारत का भी नहीं है।